एक मेरा बर्थडे विश तो बनता है। और ये मंदिर की बहुत जबरदस्त महत्व है। देखिए मैं सबसे पहले बताता हूँ कि इस मंदिर में कभी भी आप आए तो आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। है कामाक्षी टेम्पल, आप देखिए यहाँ पे भव्य भव्य एंट्री। ये पृथ्वी एलिमेंट यानी शिव की पूजा पृथ्वी एलिमेंट के रूप में किया जाता है। हाय एवरीबॉडी, आज 2 अक्टूबर है एंड आज मेरा बर्थडे है। आज मैं जा रहा हूँ आशीर्वाद लेने दिल्ली से कांचीपुरम, जो तमिलनाडु में है, चेन्नई से है ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर, और वहाँ शिव जी के बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे। उस शहर को यानी कि कांचीपुरम को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं, रेदर सिटी ऑफ थाउजेंड्स टेम्पल कहते हैं। ये है मेरा बालकन जिसमें मेरी वाइफ का धर्म पत्नी का जान बसता है। एक मेरा बर्थडे विश तो बनता है, और दोस्तों को लाइक करने के लिए बोलिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और नॉलेज के बारे में। थैंक यू वेरी मच, सी यू। सो आई एम स्टार्टिंग माय जर्नी टुडे, गोइंग टू द एयरपोर्ट इन द वे टू हियर। फाइनली टू द वे टू चेन्नई, देन आई विल कोट यू फ्रॉम कांचीपुरम all over the detail of this one temple and as well as the this temple. I'm starting from Kanchipuram. यहाँ से मैं होटल जाऊँगा एंड होटल से फिर थोड़ा सा फ्रेश होकर के निकल चलूँगा दर्शन के लिए टेम्पल ऑफ थाउजेंड सिटी कांचीपुरम। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। थैंक यू, सी यू। बहुत दिल से नमस्कार, और मैं अभी कपिलेश्वर मंदिर में हूँ चेन्नई में। और चेन्नई के इस कपिलेश्वर मंदिर में मैं आपको दिखाता हूँ, और ये बहुत ही सिद्ध प्राप्त मंदिर है, बहुत ही सिद्ध प्राप्त मंदिर है। यहाँ पे जो कृपा है वो पार्वती जी का सीधा आता है, और कृपा जो है बहुत ज़बरदस्त तरह से पूरा होता है, जो भी दिल में चाहिए वो पूरा होता है। तो ये कृपा प्राप्त मंदिर है, कृपा आपको आपके पास आ। मैं इस मंदिर में क्या किया वो आपको मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ, ताकि कभी भी आप आए तो आपको कभी भी कोई दिक्कत ना। क्योंकि बहुत महत्व है इस मंदिर को, कृपा वृक्ष भी कहते हैं। कृपा वृक्ष का मतलब कि जो आप दिल से चाहते हैं माँ पार्वती आपको आशीर्वाद देती हैं कि आपको ज़िंदगी में ये मिले। और इतनी ज़्यादा वाइब्स हैं, इतने ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं कि आप समझ नहीं सकते। मैंने इसको फील किया इस मंदिर में। इसके पहले कि मैं आगे और बताऊं इस मंदिर के महत्व के बारे में, चीज़ों के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि दर्शन करें तो कैसे करें। और देखिए हम आते हैं इस पर। देखिए ये जो मंदिर का गेट है, ईस्ट मंदिर है। ईस्ट मंदिर से आप एंटर करेंगे, और जैसे ही आप एंटर करेंगे, एंटर करते ही गणेश जी का मूर्ति आएगा जहाँ पे आपको दर्शन करना है। देखिएगा गणेश जी का मूर्ति आएगा, और गणेश जी के मूर्ति को दर्शन करेंगे, और गणेश जी की मूर्ति करने के बाद जब आप सीधा वहाँ से लेफ्ट साइड में रिटर्न करेंगे तो आपको नंदी जी का मूर्ति मिलेगा। ये है नंदी जी का मूर्ति, यहाँ देख ले। अंदर मैं नहीं दिखा सकता बिकॉज रूल्स का पालन मैं करना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक द रूल्स एट ऑल, तो मैं रूल्स का पालन करना चाहता हूँ। फिर यहाँ से जब आप टेम्पल से जब आगे आते हैं तो फिर यहाँ से देखिए लाइन निकल के जाता है, और नंदी जी के दर्शन करने के बाद देखिए ये वेस्ट गेट है, वेस्ट गेट से एग्जिट होता है, लेकिन यहाँ से आप जाते हैं फिर तो पार्वती जी का आपको मंदिर मिलता है। और पार्वती जी के मंदिर बनने के बाद आपको कपिलेश्वर जी यानी शिव जी का यानी शंकर जी का आपको दर्शन करने का मौका मिलता है। यहाँ पे कपिलेश्वर, कपिलेश्वर का मतलब क्या है, जैसे कपालेश्वर, कपाल का मतलब सर, अनेश्वर का मतलब कि भगवान। एक बार ऐसा कहा जाता है, और ये सच्चाई है, जैसे कि हम वेदों में पढ़ते हैं कि जब कैलाश पर्वत पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी थे तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने शिव जी को इज्जत नहीं दी जो इज्जत के वो हकदार थे। तो शिव जी को गुस्सा आ गया, शिव जी तो भोले बाबा हैं, शिव जी को गुस्सा आ गया, और गुस्सा में क्या हुआ, जब उन्होंने तीसरी आँख खोली तो ब्रह्मा जी का एक सर मुड़ गया, एक कपाल मुड़ गया। और उस कपाल को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने यहीं पे प्रार्थना किया, यहीं पे प्रेयर किया, यहाँ पे तपस्या किया, और इसीलिए इस जगह का नाम कपालेश्वर रखा गया, यानी कि कपाल की प्राप्ति हुई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को कपाल की प्राप्ति हुई, और इसीलिए इस जगह को कपालेश्वर नाम के डाला गया। अब देखिएगा यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, कि ये जो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मोर है, जो इस जगह का नाम भी है, जो मायलापुर, मायलापुर बोले तो मोर का पुर, मायलापुर बोले तो मोर का पुर।
अब क्या हुआ कि पार्वती जी को किसी अभिशाप के कारण मोरनी के रूप में उनको रहना पड़ा। देवताओं की भी परीक्षाएं होती है, देवताओं को भी कई चीजों से गुजरना पड़ता है। तो आप यहाँ देखिए मोरनी, देख रहे हैं आप मोरनी, यहाँ पे मोरनी, यहाँ पे देखिएगा हर जगह मोरनी आपको मिला होगा, ये देखिए मोरनी। तो पार्वती जी को क्या हुआ, मोरनी का रूप ले लिया और वही पे मोरनी के रूप में डालने के बाद उनको इससे बाहर निकलने के लिए, यानी कि पार्वती जी को इससे बाहर निकलने के लिए शिव जी की पूजा करनी थी और यहीं पे इस शिवलिंग जो कपालेश्वर है इसी शिवलिंग की पूजा करी और इस प्रकार से वो यहाँ से मतलब मोरनी के लाइफ से वो निकल गए। और मोरनी से लाइफ से निकलने के बाद वो जो है आपके पास पार्वती जी के रूप के धारण आए। यही कारण है कि यहाँ पे देखिएगा मोर जो है काफ़ी आपको मिलेगा, ये मायलापुर जगह का ही नाम मायलापुर चेन्नई में है और ये बहुत ज़बरदस्त है। इतनी ज़बरदस्त पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं मुझे, इतनी ज़बरदस्त पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। इतिहास की बात अगर करूँ तो इस मंदिर को बनाया गया पल्लव डायनेस्टी के राजा ने, क्योंकि वेद में तो लिखा ही हुआ था, वेद में लिखा हुआ था कि ये जगह ये है, चीज़ें जगह है, तो जीर्ण द्वार बहुत छोटी सी मंदिर बनाऊंगे। तो उस केस में क्या हुआ कि जब पल्लव राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया और उनके पूरे के पूरे चीज़ों में मतलब लगे रहे, शक्ति मिला। यहाँ पे जो शक्ति की बात करी जाए तो शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। अब इस पॉजिटिव वाइब्स को मैंने फील किया है। कपालेश्वर महाराज का एक और मंदिर आपको भुवनेश्वर में मिलेगा, नेक्स्ट टाइम मैं जब वहाँ जाऊँ तो जरूर आपको मैं दर्शन कराऊंगा कपालेश्वर महाराज की उस मंदिर का वहाँ पे। और इस प्रकार से ये जो मंदिर है इसकी वाइब जबरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि आप सोच नहीं सकते। आप कभी भी अगर चेन्नई आते हैं तो आप जरूर आइए, ये स्तंभ देखिए यहाँ पे और ये अपने आप में विशाल रूप लेकर के है, बहुत ही विशाल रूप लेकर के है। और यहाँ पे देखिए अगर दूर से मैं दिखा सकता हूँ तो कपालेश्वर महाराज को दिखा सकता हूँ यहाँ पे कपालेश्वर महाराज का, और मेरा दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ, इतना अच्छा दर्शन हुआ कि आप सोच नहीं सकते। इतना से ग्रेट दर्शन, अमेजिंग दर्शन, इतना अच्छा दर्शन हुआ कि मत पूछिए। तो मंदिर में ये दर्शन है, ये चीज़ें हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ शुरू से चीज़ों में कैसे आना है, कैसे चीज़ों को लेकर चल रहा है, क्या चल रहा हूँ कि किस तरह से दर्शन करने के जो रूल्स हैं, जो तरीके हैं, वो अपने आप में ज़बरदस्त है। ये माला को मैं अभी उठा के अपने हाथ में रख लेता हूँ, क्योंकि ये जो माला है ये कपालेश्वर महाराज के मंदिर में जब मैं अंदर था तो पंडित जी ने पहनाया और श्रद्धा के लिए मैं बहुत बहुत प्रभु का बहुत सर नमन करता हूँ। और ये जब भी आप आएँ तो मैं हमेशा कहूँगा कि इस कपालेश्वर मंदिर में ज़रूर आएँ, बहुत ज़बरदस्त शक्ति है, बहुत ज़बरदस्त वाइब्स है। और इसमें जो आपकी इच्छा पूर्ति का वरदान है पार्वती द्वारा, चूँकि पार्वती जी को इच्छा की प्राप्ति हुई थी, पार्वती जी को मोरनी के भेद से बाहर निकलना पड़ा था, तो विपत्तियाँ हम हर सगे के जो में आती हैं, ऑब्स्टेकल हर लोगों के बीच में आता है, लेकिन ऑब्स्टेकल को ऑब्स्टेकल से निकलने के लिए साधना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर से यहाँ दिखा देता हूँ, मैं दूर से आपको एक एक चीज़ कि यहाँ पे ईस्ट द्वार कौन है जहाँ से हम एंट्री करते हैं एंड वेस्ट द्वार से हम बाहर निकलेंगे। सो अगर पसंद आए और एक कपालेश्वर मंदिर के बारे में आपको लगा है चीज़ें तो आप जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक यहाँ पे देखिए ये हमारा ईस्ट द्वार है और ईस्ट द्वार से हम एंट्री करते हैं, ईस्ट द्वार से हम एंट्री करते हैं, ये है ईस्ट द्वार जिसे हम एंट्री करते हैं। और ईस्ट द्वार को देखिए ज़बरदस्त तरीका से देखिए, क्या शानदार तरीका है। पल्लव राजा ने बनवाया था उस समय, आप विश्वास सकते हैं कि 7th century में ये बना हुआ है, ये जो रियल आर्किटेक्चर है 7th century का है। और इस मंदिर को शैव जो रहते हैं, शिव जी के जो पुजारी लोग होते हैं जो शैव में विश्वास करते हैं वही इसमें इनकी पूजा संचालन करते हैं। ये देखिए स्कल्पचर ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए पूजा का पूजा क्या शानदार तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये पूजा का ईस्ट गेट से एंट्री है, करते ही गणेश जी की आपको मूर्ति करेंगे, गणेश जी की मूर्ति करने के बाद यहाँ पे आप सीधा आएंगे और गणेश जी से पूजा करने के बाद यहाँ से जब निकलते जाएंगे। अच्छा शानदार चीज़ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर मैं पाँव रखूँ तो मेरे पाँव जलते हैं, ये पाँव जलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं पाँव रखूँ तो पाँव नहीं जलते, एकदम शीतल सा लगता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर गणेश जी के बाद ये नंदी जी का मंदिर है, आप देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं ये शंकर जी के पास से जो उनके जो हैं। और ये जब देख रहे हैं आप, ये नंदी जी का मंदिर है, ये देख रहे हैं नंदी जी का मंदिर,
और ये पूरे के पूरे रहने के लिए व्यवस्था करी गए हैं मंदिर में। कपिलेश्वर मंदिर के बारे में एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ही शानदार है। ये शक्तिपीठ है, ये शक्तिपीठ बोले तो शक्ति का संचार है इसमें। जब कार्तिकेयन जी डिमोन से लड़ने के लिए आगे जा रहे थे तो सारे देवी देवता कार्तिकेयन जी को अपना हथियार दे रहे थे। और ये वो जगह है, यानी कि कपिलेश्वर टेम्पल ये वो जगह है जहाँ पे माँ पार्वती ने कार्तिकेयन जी को अपना भाला दिया था ताकि ज़रूरत पड़े तो डेमोन को मार सके। यानी कि यहाँ पे जो कार्तिकेयन जी हैं उनका नाम मुर्गन जी है। यानी कि मुर्गन जी को अर्थात कार्तिकेयन जी को पार्वती जी ने यहीं इसी कपिलेश्वर मंदिर में भाला दिया था डेमोन को मारने के लिए। और इस प्रकार से जो कार्तिकेयन जी थे उनको लगता था कि वो वीर नहीं है, बहादुर नहीं है, वो डिमोन से लड़ नहीं सकते, लेकिन इन हथियार के कारण वो लड़ सके और मार सके। और इस प्रकार से पूरे के पूरे साउथ इंडिया में, पूरे के पूरे तमिलनाडु में उन्होंने शांति की स्थापना करी। यह टेम्पल कपिलेश्वर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब भी तमिलनाडु आइए तो एक बार जरूर आइए, वाइब्स देखिए, पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत पॉजिटिव वाइब है। जो सेरेनिटी है वो बहुत ही अच्छा तरह से मेंटेन किया हुआ है। सो दिस इज़ माय लास्ट बाइट फ्रॉम कपिलेश्वर टेम्पल। एंड अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टेम्पल के तरफ जब हम जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशंस में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। Now I am my way to Kanchipuram और वहाँ से आपको मैं टेम्पल्स के बारे में बताऊँगा। कांचीपुरम इज नोन एज 1000 टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। ये वर्धराज टेम्पल को क्या अद्भुत सीन है, सुपर्ब। ये गेट तो इधर बंद है, आगे के गेट से हमें जाना पड़ेगा, टर्न करते हुए निकलेंगे। ये गेट बंद है, ये वेस्ट का गेट है, बंद है। हम गाड़ी से घूम करके उधर से आएंगे। मंदिर के प्रांगण को देखिए, बहुत ही लंबा बेमिसाल, कई एकड़ में फैला हुआ है ये मंदिर है, कई एकड़ में, बहुत ही साफ, बहुत ही सुंदर। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है क्लीननेस। ये सफल स्वस्थ भारत की व्यवस्था आपने अभी देखी होगी। गौशाला भी है, लेकिन गौशाला के बावजूद भी इस मंदिर के अंदर एक दिन का भी आपको नहीं मिलेगा जो कि डर्ट बना जाएगा। क्लीननेस के लिए ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, यहाँ पे विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं इस मंदिर के पॉजिटिव वाइब्स के लिए, वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब्स। विष्णु भक्त के लिए ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे विश्व के कोने में कोई भी विष्णु भक्त है तो एक बार आने की कोशिश जरूर करते हैं। वर्धराज टेम्पल से मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी मैं दर्शन करके उतरा है वर्धराज टेम्पल से, एंड मैंने लेजर को टच किया और चीजों को किया। यहाँ पे जब मैं अंदर आया तो सबसे पहले मैंने नरसिम्हा जी का दर्शन किया, हालांकि उसके पहले मैंने लक्ष्मी जी का दर्शन कर लिया था, उसके बाद नरसिम्हा जी किया, और उसके बाद ये 36 सीढ़ियाँ, अगर आप देखेंगे मेरे पीछे में, इस तरह के 36 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ के निकले और ऊपर गए, और तकरीबन दो घंटा मैं यहाँ लाइन में रहा। और दो घंटा लाइन में रहने के बाद दर्शन हुए, लेकिन असीम शांति मिल रही है दर्शन से। यहाँ की कला की अगर देखेंगे तो जबरदस्त है। और ये वर्धराज का मतलब क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वर्धराज का मतलब है वरदान देने वाला। यहाँ पे विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया था, अगर आपको वरदान चाहिए, कुछ बड़ा करना है, चीजें करनी है, तो आपको यहाँ पे एक बार वर्धराज का यहाँ पे दर्शन जरूर कीजिएगा।
मैं पहले सबसे पहले आया तो नरसिम्हा जी का दर्शन किया। नरसिम्हा जी के पहले हालांकि मैं लक्ष्मी जी का दर्शन कर लिया था, हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन आपसे विनती है कि आप पूरा नियम से पालन कीजिए। आइए टेंपल में 130 फीट के गेट से अंदर निकले और भव्य इमारत को देखिए। यहाँ के इस कल्चर की जितनी प्रशंसा आप कर सकें वो कम है, जितनी प्रशंसा आप कर सकें उतना प्रशंसा कम है। चूंकि जितने भी चोला डायनेस्टी से लेकर विजय राजा के डायनेस्टी के स्कल्पचर को आप देखेंगे और चीज़ है 130 फीट ऊपर का गेट से जब आप नीचे निकलेंगे तो आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और उसके बाद मैं नरसिम्हा जी के दर्शन किए और उसके बाद लाइन में लग गया और ऊपर 36 सीढ़ियों चढ़ने के बाद मैं ऊपर जब गया तो लाइन में लगते लगते आया और दर्शन हुआ। इतना सुंदर दर्शन, इतना सुंदर दर्शन की मत पूछिए। मैं आपको एक और बताऊं, यहाँ पे जो वरदराज जी का स्टैचूज है 40 साल में एक बार पूजा किया जाता है, 40 ईयर्स में एक बार पूजा किया जाता है और उसके बाद 48 डेज का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, 48 डेज का। और यहाँ एक बहुत बड़ा चीज़ है जो फेस्टिवल लोगों के ज़िंदगी में होता है, अभी भी अगर पीछे देखें तो अभी तकरीबन मैं 6 बजे एंटर किया था, रदर 5:30 बजे एंटर किया था और अभी ऑलमोस्ट हमारे पास अगर देखें तो 7:15 होने वाला है जब मैं बाहर निकला हूँ। और अभी भी पीछे मेरा लाइन देख सकते हैं, ज़बरदस्त लाइन है। मैं आपको लाइन अलग साइड से भी दिखा रहा हूँ, देखें। और ये क्यों कब खाली होगा पता नहीं, ये सारे के सारे पहले नरसिम्हा जी का दर्शन करेंगे, नरसिम्हा जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे आए हैं। अभी वक्त हो चुका है तकरीबन 7:15 एंड 8:30-9:30 बजे शायद मंदिर बंद हो जाएगा। ये जो स्तंभ है जो राजाओं ने बनाया था युद्ध जीतने के बाद, और ये मंडपा देखिए, जबरदस्त मंडपा है अपने आप में, जबरदस्त मंडपा आप देखिए। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 36 एकड़ में फैला हुआ टेंपल है, बहुत बड़ा, बहुत बेमिसाल, बहुत बेमिसाल। पूरे टेंपल में आप विष्णु जी के अनेक रूप को आप देखेंगे, अनेक उनके इंकारनेशन को देखेंगे। तमिल में काफ़ी अच्छी तरह से लिखा हुआ है, ये सारे आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त। वर्धराजन का मतलब है, वर्ध का मतलब वरदान एंड राजन का मतलब कि देने वाला, तो विष्णु जी यहाँ वरदान देते हैं। आपको कोई भी वरदान चाहिए सच्चे दिल से आइए, ज़रूर आपको मिलेगा। इसी पौंड में इमर्ज किया जाता है विष्णु जी को और 40 साल के बाद उनको निकाला जाता है, 40 ईयर्स। सूरत नज़ारा को देखें, इस पौंड में विष्णु जी रहते हैं और चूंकि ये रात है तो और भी सुंदर लग रहे हैं। और 40 साल के बाद आफ्टर 40 ईयर्स निकाला जाता है इनको, 40 ईयर्स के बाद एक बार ये निकाले जाते हैं। उनके बाद 48 डेज का फेस्टिवल चलता है, 48 डेज का फेस्टिवल चलता है इसमें एंड पीपल रियली एंजॉय हियर। जितने भी वैष्णव हैं समुदाय के लोग, मतलब उनके लिए ये जो पल होता है 48 डेज का, वो एक हेवनली टाइम होता है, स्वर्ग में जाने का टाइम होता है। और विष्णु जी से सीधा वरदान लेते हैं और अपने आप को बहुत ही धन्य समझते हैं और समझना भी चाहिए। आप देख के देखिए क्या ज़बरदस्त है, अपने आप में सुपर्ब। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, सी द फाइनल लुक इन द लाइट्स, जय गोविंदा। कामाक्षी टेम्पल आप देखिए, यहाँ पे भव्य भव्य एंट्री। और यहाँ पे कामाक्षी टेम्पल में एक सबसे बड़ी चीज क्या है, ये 51 शक्तिपीठ में से एक है और यहाँ पे सती जी का नाभि गिरा हुआ था, यानी कि मणिपुरम चक्रास। एंड यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आजू बाजू में आप देखेंगे तो विष्णु जी एंड शिव जी हैं और बीच में कामाक्षी जी हैं। और देखिए आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर में अगर मैं बात करूँ तो बार बार बात होती है इंक्लूसिवनेस की, नारी शक्ति की, जैसे नारी शक्ति की बात, नारी शक्ति का इससे बड़ा चीज़ क्या मिलेगा। जब सारे देवता परेशान थे, शंकर जी परेशान थे, विष्णु जी परेशान थे, इंद्र परेशान थे, सारे परेशान थे, और उस समय में कामाक्षी जी को बाकासुर को मारने का, वध करने का काम दिया गया। शानदार मंदिर जो बनाया चोलास, पांड्यास,
एंड विजयनगर के राजाओं ने बनाया था। ये शानदार मंदिर आप देखिए, जबरदस्त मंदिर है कामाक्षी मंदिर। और यहाँ पे कामाक्षी मंदिर यानी कि माता कामाक्षी को ये शक्ति मिली, रदर उन्होंने शक्ति दी देवताओं की कि हम वध करेंगे वाकासुर को। और वाकासुर को वध करने के लिए उन्होंने जो शक्ति उठाई उस शक्ति से काफ़ी आगे बढ़ा। वॉट अ ब्यूटिफुल सीन। एक एक नज़ारा आप देखेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे, क्या शानदार नज़ारा है। ये देखिए पूरा गोल्ड प्लेटेड टेंपल, और ये देखिए सरोवर, ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में आ गए, बिल्कुल जन्नत में आ गए। ये आर्किटेक्ट का इतना शानदार नमूना, यही कारण है कि कांचीपुरम को ज्ञान का केंद्र, विद्या का केंद्र कहा जाता था, लोग सीखने आते थे। आज भी मैं संस्कृत की पाठशाला को देख रहा था, अभी मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, दर्शन मेरा छूट ना जाए, दर्शन छूट ना जाए इसलिए मैं दर्शन करने के लिए भाग रहा हूँ। I'm just running because I really want 8:30 is the last time, is the last one 8:30 time. So we are going ahead. Okay, come, fast. 8:30 is the last time to have a darshan. And उसके बाद मैं फिर से आपको ये पूरा ब्लॉग में बताऊंगा यहाँ पे क्या हुआ। मेजर जो पार्ट है इसको, ये स्वयंभू है, खुद ही निकले हुए हैं, स्वयंभू है यानी कामाक्षी टेम्पल। और देखिए ये आशीर्वाद जो देती है दर्शन करते समय, आप ध्यान रखिएगा कि आशीर्वाद ही आंखों से देखती है। तो यानी कि कामाक्षी टेम्पल, कामाक्षी माता के मंदिर को अगर आपने सजा लिया मन में तो इनके आंखों से दर्शन होगा। और ये मैं लाइन में लग रहा हूँ दर्शन के लिए, लाइन में लगा हुआ हूँ, और मैं आज आशीर्वाद लूंगा कि मैं काबिल बन सकूँ, कि मैं लोगों के काम आ सकूँ। आई शुड बी ए स्ट्रेंथ एनफ टू हेल्प पीपल एंड बी मोर पावरफुल इन माई ओन जर्नी। जर्नी को मीनिंगफुल बनाई जाए, और जर्नी को मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं माता से आशीर्वाद लूंगा। जो मंदिर में दर्शन हुआ जो जबरदस्त है कामाक्षी मंदिर का, बहुत शांति मिली। और मैं आपको दिखा रहा हूँ अद्भुत कला, अद्भुत चीजों को कामाक्षी मंदिर का, आप दर्शन कीजिए कामाक्षी मंदिर का। और ये देखिए सुपर, जितनी प्रशंसा करी जाए इस कला की, इस कृति की, इन चीजों की, इन पावर की, जो कामाक्षी मंदिर ने, जो कामाक्षी माता ने, अम्मा ने जो यूज किया बकासुर को मार करके, प्रोटेक्टर के रूप में काम किया, जहाँ पे शिव और विष्णु भी हार गए थे वहाँ पे इन्होंने शस्त्र उठाया, अस्त्र उठाया। और आज नारी शक्ति की बात हो रही है, आप वो देखिए नारी शक्ति की बातें। और ये देखिए टेंपल, शानदार टेंपल, कह सकता है कोई ये टेंपल हजारों साल पुराना है, कह सकता है इस वाइब्स को, पॉजिटिव वाइब्स को, जो पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है। ये वाइब्स इतनी शानदार वाइब्स आप सोच के देखेंगे अपने आप में जबरदस्त है। सो श्रद्धा है, जो विश्वास है लोगों में, इसमें अलग शक्ति आता है। इंसान को लगता है मैं थका हुआ हूँ, मैं कर नहीं सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जैसे ही लाइन में लग जाते हैं ऐसी शक्ति आती है कि इंसान उसमें रम जाता है। और यही तो विश्वास है, यही तो ट्रस्ट है, यही तो आस्था है। और कांचीपुरम ज्ञान का राजा होता था, ज्ञान का राज्य होता था, दूर दूर से लोग यहाँ पे शिक्षा लेने आते थे, और बहुत दूर दूर से, देश प्रदेश विदेश से लोग यहाँ पे शिक्षा लेकर के अपने राष्ट्र को गौरवान्वित करते थे। और देखिए इस टेम्पल को, और कुछ साल पहले तक इसमें तो लोग नहाने के लिए परमिशन था, लेकिन अब नहाने का परमिशन इसमें नहीं दिया गया है। और ये देखिए इस टेम्पल में सबसे बड़ी चीज़ क्या है आपको मैं बताऊँ, कि जो अम्मा है, जो कामाक्षी अम्मा है, वो पद्म आसन में बैठी हुई है और आशीर्वाद दे रही हैं। ये पद्मासन शांत भाव से आशीर्वाद दे रही हैं। कौन कह सकता है कि वाकासुर जैसे राक्षस का वध करने के बावजूद ये इतनी शांत भाव से बैठी हैं। ये बातें कह रही हैं कि कर्म करो लेकिन शांति को बैठाए रहो। और ये देखिए टेम्पल, ये गेट जिसे हम बाहर निकल रहा हूँ, और यहाँ से अर्थ एलिमेंट के मंदिर पर जाऊँगा, जहाँ पे देखिए तमिलनाडु में सारे एलिमेंट अग्नि वायु गगन पृथ्वी जल के ऊपर मंदिर है, और कामाक्षीपुरम में पृथ्वी एलिमेंट पे मंदिर है।
मैं वहां पे पहुंच के आपको पृथ्वी एलिमेंट के मंदिर के बारे में बताऊंगा। ये पृथ्वी एलिमेंट यानी शिव की पूजा पृथ्वी एलिमेंट के रूप में किया जाता है। शिव की पूजा पृथ्वी के एलिमेंट में किया जाता है। ये शानदार टेंपल देखिए, और ये फिर बना तो चोला डायनेस्टी से शुरू हुआ था, इसमें पल्लवा डायनेस्टी भी, और ये शिव जी का टेंपल है, ये शिव जी का टेंपल है जबरदस्त। हमारे शानदार नंदी जी हैं, ये देखिए, हे नंदी जी हमारे कष्ट को ग्रहण करो, बड़े सपने की तरफ अग्रसित करो और चीज़ों को लेके आओ। ये है देखिए पूरा का पूरा सरोवर, ये देख रहे हैं आप सरोवर एकम्बरेश्वर टेम्पल के पास। ये पूरा का पूरा, मुझे तो लग रहा है कि मैं ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे समथिंग ग्रेट, आई एम फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब मैं आ रहा था सुबह 3 बजे से उठने के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थका हुआ हूँ, कितना दर्शन होगा, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं एक आध टेम्पल और दर्शन करूँ। इज अ टेम्पल ऑफ 1000 टेम्पल सिटी कांचीपुरम। एकम्बरेश्वर टेम्पल से निकल रहा हूँ, आपको ये पूरा भव्य सीन दिखाऊंगा फिर से, साउथ की मंदिर का क्या कहना, और कांचीपुरम में जो ज्ञान का भंडार है, कांचीपुरम में जो ज्ञान है, जो संस्कृति का भंडार है, मैं तो कहता हूँ हर इंसान को एक बार यहाँ आना चाहिए और अतीत से सीखना चाहिए, अपनी धरोहर से सीखना चाहिए, अपने अतीत से सीखना चाहिए। और मॉडर्न में होकर हम खुश होते हैं कि देखो हम कितना मॉडर्न हो गए, उस समय क्या मॉडर्न था वो चीज़ हमें एक बार देखना चाहिए। ये टेम्पल, हालांकि ये गेट एकम्बलेश्वर यानी अर्थ एलिमेंट के अलग से अलग है, इसके अलावा देखिएगा कि जो यूनिवर्स है पंचभूतम है, तो पांचों भूतम यानी अग्नि वायु गगन पृथ्वी जल क्या अलग अलग है। अभी मैं आपको दर्शन कराया कांचीपुरम में अर्थ एलिमेंट का, अर्थ एलिमेंट के टेंपल से, जहाँ पे शिव जी की पूजा पृथ्वी के रूप में की जाती है, और ये पूजा साक्षात विष्णु जी ने किया, जब विष्णु जी ने हीट को एब्जॉर्ब किया था, शिव जी ने पॉइजन को एब्जॉर्ब किया था, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद विष्णु जी उसको झेल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अर्थ के रूप में शिव जी की पूजा करी और शिव जी ने उनको हेल्प किया कि वो इस तरह के पेन से बाहर निकले। पेन हमेशा होता है जब डिसीजन लेते हैं, और जो जो डिसीजन लेते हैं उनको ही तो झेलना ही पड़ता है, उसको लेके आगे बढ़ना पड़ता है। ये जो कला आप देख रहे हैं, ये जो कृति आप देख रहे हैं, ये जो हम चीज़ें देख रहे हैं, ये आप सोच सकते हैं कि इतने सालों बाद, हजारों साल पहले ये कैसे बनते होंगे, जब ना क्रेन थे ना कुछ था, ये क्या अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत है, अद्भुत। देखिए अभी 9 बज गया है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आनंद में, अभी आखिरी क्षण चल रहा है, 9:30 बज गए, टेंपल बंद हो गए हैं, बट ये आपको ये दर्शन कराता हूँ। पीछे देखिएगा एक कैलाशनाथ टेंपल हमारे पास, और अब हम निकलते हैं चेन्नई के तरफ। सो नाउ वी आर गोइंग टू द चेन्नई, बट फ्रॉम द टेंपल कांचीपुरम, दिस इज माई लास्ट ब्लॉग टू यू, लव यू सो मच दिल से, आई कीप ऑन पोस्टिंग द ब्लॉग एंड यू कीप ऑन लविंग एंड लाइकिंग मी एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, गॉड दिल से, ओम नमः शिवाय।